जो होमवर्क दिया था किया भाई? यस सर। क्या क्या दिया था सर? तो कुछ नहीं है, और NCR वो फार्मूला निकालने के लिए निकाल लिया। क्वेश्चन हो गए दोनों? मैथ्स ही पढ़ना कुछ और पढ़ना? मैथ आप यार बैठ जाओ वहाँ, क्यों बैठ गए? कुछ और पढ़ना हो गया करते रहो। क्वेश्चन हो गए तो आगे चलें। वे क्या क्वेश्चन थे? क्वेश्चन हो गए थे कल? देखिए इन क्वेश्चन का सोल्यूशन वही है कि चॉइस किसके पास है, ठीक है? हमारे पास जो है लेटर तो हैं कितने? फाइव है ना लेटर, और लेटर बॉक्सेस हैं 7, ठीक है? और 5 लेटर हैं, 1 2 3 4 5। इसके पास कितनी चॉइस? 7 7 7 7 7, तो 7 की पावर 5। देखिए इस चैप्टर में सबसे बड़ी चीज़ यही है, अभी मैंने सिर्फ आपको परम्यूटेशन पढ़ाया। क्या कह रहे? अभी तो आपने परम्यूटेशन पढ़ा सिर्फ, जब आप कन्फ्यूजन बता रहे हैं, जब इसके साथ कॉम्बिनेशन लग जाएगा फिर क्या होगा? देन व्हाट विल यू डू? ठीक है, ये इतना क्वेश्चन और भी था कोई? क्या क्वेश्चन था? राउंड टेबल कंसिस्टेंस। अरे ये तो बता दिया था मैंने, वो हिंदी वाला बता था ना, वो हिंदी इंग्लिश में जो दोनों लिखवाए थे ना वो सर, उससे अलग नहीं था। एक अच्छा बोलो क्या है? अराउंड टेबल कंसर्न इज टू हेल्ड बिटवीन 20 डेलीगेट इन टू कंट्री इन हाउ मेनी मैन कैन बी सीट इन टू पर्टिकुलर डेलीगेट सिचुएशन तुम दिखा तुम क्या लिख रखा कुछ दिखाऊं? is
चलता, बट दिक्कत यहाँ जो बुक्स मैथ की हैं वो सारे हिंदी में। वहाँ पे हिंदी में अच्छा क्वेश्चन समझ में आया तुम्हारी? क्या क्वेश्चन? दो देश के लोग हैं जिसमें से 20 इधर के लोग, 20 इधर के लोग हैं और 20 उधर के लोग। 20 नहीं, 10-10 है दोनों। 10-10 हो गए ना फिर। मैं भी कंफ्यूज हो रहा था इस क्वेश्चन को, जब भी तो सोच रहा हूँ कहीं तो गड़बड़ सा लग रहा है। इसमें यह है, दो देश हैं सपोज भारत और यूएसए मान लो, आप 10 लोग इधर के हैं और 10 लोग यूएसए के हैं, उनकी एक राउंड टेबल पे कॉन्फ्रेंस होनी है, ठीक है। तो उसमें कह रहा कि इनके आपको परमुटेशन बताने हैं। पहली कंडीशन दी, क्या दी है उसने? ऑलवेज टुगेदर, यानी कि इसमें पर्टिकुलर कोई दो व्यक्ति ऐसे हैं, मैं हमेशा इकट्ठे बैठे हैं। हाँ, कोई भी दो ले लो, उसने एक बार पढ़ो। उन 20 में से दो व्यक्ति ऐसे हैं जो हमेशा इकट्ठे रहने हैं। अगर वो कहता पर्टिकुलर, या तो पेयरिंग बनाता कंट्री वाइज, वो भाई एक इस देश का, तब एक अलग चीज होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो टोटल है वो 20 है, 20 डेलीगेट्स है, ठीक है। इनमें से दो मान लिया ऐसे D1 D2 करके डेलीगेट T20 तक हैं। हम कोई भी दो ले लेते हैं पर्टिकुलर, हमने ले लिया कि ये दोनों इकट्ठे रहेंगे, ठीक। राउंड टेबल के चारों ओर बैठा रहे हैं, D1 यहाँ पर रहेगा, D2 ही फिक्स कर दिए हमने, बस इतना हो सके, या तो ये एक दूसरे को चेंज कर सके, बाकी ये सारे ठीक है। टोटल कितने थे? 20 में से 2 गए, कितने बचे? 18। और ये कैसा बिहेव करेगा? जैसे सिंगल 18 1 19, तो उनके परमुटेशन कितने हो जाएंगे? 19 - 1 factorial, दैट इज 18 factorial, ठीक। इसी के साथ जो दो हैं ये आपस में किस तरह चेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 2 की तरह, ये इसको ऐसे लिख दो 2 into 18 factorial, ठीक है। ये तो वो लोग आगे फिर पूछ रहा कि नेवर टुगेदर इन 20 के टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 19, 20 माइनस 1,
ये तो वह है जो टोटल अरेंजमेंट है, ये वह है जिनमें ऑलवेज टुगेदर है, दिस माइनस दिस नेवर टुगेदर आ जाएगा, समझे। टोटल अरेंजमेंट इसमें इतने अरेंजमेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल हमेशा साथ बैठेंगे, तो टोटल में से ये घटा दो तो बाकी वो आ जाएंगे जिसमें साथ नहीं बैठ सकते, ठीक है। चलिए भाई जरा अपना परिचय देना, क्या नाम आपका? कौन से स्कूल से पढ़े? जे वी जैन इंटर कॉलेज। इंटर पढ़ ली? ये इंटर में हो इलेवेंथ में हो क्लास। जय कुमार शर्मा भी तो है ना वहाँ पे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है कुमार। देखिए प्रमोटेशन तो आपका हो गया लगभग खत्म, लगभग क्या खत्म ही हो गया। अब चलते हैं हम कॉम्बिनेशन पे। देखिए कॉम्बिनेशन में अब यहाँ थोड़ा दिक्कत है कि कंटेंट इंग्लिश में इतना अवेलेबल नहीं है, और इंग्लिश में कोई यहाँ नहीं होना इतना इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि जो मेन मकसद है वो कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक। और उसके बिहार पे हमें क्वेश्चन, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत आ रही ना हिंदी में कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना कि सर इसको इंग्लिश में कैसे हम समझें। देखिए कॉम्बिनेशन हमने फर्स्ट डे आपको बताया था कि इसको या तो सिलेक्शन कहते हैं, ठीक, या इसको हम ग्रुपिंग भी कह देते हैं कि भाई ग्रुप बना, क्लियर। अब यहाँ एक एग्जांपल और ले लो आप, मान लिया हमारे पास संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये संख्याएं हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ इन 6 संख्याओं में से 3 संख्याएं लेकर बने कर्मचों की संख्या, या ये कह दूँ कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनेगी, क्या करते थे हम 6, 5, 4, या किसी को हम कर देते थे 6, 3, ठीक। क्योंकि अगर वो ये भी ना कहता कि कर्मचों की संख्या, अगर वो यही पूछता कि 6 अंक दिए हुए उनमें से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी, तो संख्या जब बनती है संख्या में क्रम का अंडरस्टूड है, क्यों है 1, 2, 3 और 3, 2, 1 या 2, 1, 3 सारी क्या हैं, डिफर संख्याएं हैं, जबकि हमारे जो डिजिट्स हैं वो सेम। अब मैं कहता हूं कि इन संख्याओं में से 3 संख्याओं का सिलेक्शन कितने प्रकार से कर सकते हो, समझे ना, सिलेक्शन कह लो या ग्रुपिंग कह लो, ठीक। कौन सी ले सकते हैं संख्या, 1, 2, 3 भी हो सकती है, 2, 3, 4 भी हो सकती है, 3, 4, 5 भी हो सकती है, 4, 5, 6 भी हो सकती है, ठीक, या 1, 2, 4 भी हो सकती है, 1, 2, 5 भी हो सकती है, 1, 2, 6 भी हो सकती है, ठीक है, 1, 3, 4 भी हो सकती है। तो इस तरह के बहुत से हमारे ग्रुप बन सकते हैं, ठीक। इस ग्रुप में क्या है, अगर ये 1, 2, 3 है, या कहीं पे 2, 3, 1 आ जाए, या 1, 3, 2 इस तरह से आ जाए, ये क्या है, ये सेम, समझ रहे आप, क्योंकि यहाँ हमने ग्रुपिंग बनाई, यहाँ संख्या नहीं बनाई,
क्या करें? ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है जब तक ना कहे, क्योंकि हमने कहा संचय। संचय का मतलब देखो, अगर मैं हिंदी में बात करूं उसका, संचय का मतलब होता है एकत्र करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना, इकट्ठा करना, ठीक है। इंग्लिश में इसी को ही कलेक्शन भी बोल देते हैं, या कह लो आप इसे गैदरिंग भी कह सकते हैं, समझ रहे? इज दैट क्लियर? तो कॉम्बिनेशन में ओनली हमें ग्रुप बनाने, समूह बनाने, यहाँ ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। कौन सी चीजें तीन हो सकती है? थोड़ा अगर और छोटा कर दूं, ये अब समझ लो, अगर मैं कहूं इन तीनों संख्याओं को लेकर के कितने क्रमचय बनेंगे, बताए थे मैंने उस दिन भी, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा, फिर मुझे मत कहना कि हो क्या गया, इसलिए मैं आपको इसको रिवाइज करा रहा हूं। 1 2 3 क्रमचय, 1 3 2 2 1 3, नहीं मैं तो बिल्कुल बता दूँ, फिर मुझे बाद में यदि कहेंगे सर कौन से बनेंगे, ये क्रमचय। ग्रुपिंग, सिलेक्शन, तीन में से तीन का सिलेक्शन करना, 1 2 3, क्या और कोई पॉसिबल है सर? भाई 1 2 3 ले लूँ या 3 2 1 ले लूँ, 1 2, यानी कि संचय हमारे कितने बने? एक ही बना सारे लेने पर के। हाँ सर, 3 में से 2 लेंगे, 3 में से 2 लेंगे, 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 1, ये भी 6 बन गए, ठीक। यहाँ क्या पॉसिबिलिटी, 1 और 2 ले सकते हैं, 2 और 3 ले सकते हैं, 3 या 1 ले लो। अब 1 3 और 3 1 एक ही बात है, 2 3 3 2 एक बात है, 1 2 2, तो संचय 3 बने और क्रमचय 6 बन गए। इतनी चीज क्लियर हो रही? There are n different object, distinct object then get number of combination taking ठीक है। हमें कॉम्बिनेशन निकालने हैं, हमें संचय निकालने हैं कि अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से एक बार में कितने लेने हैं, r। परम्यूटेशन में पढ़ लिया, वो सीधा होता है np r। इसमें देखते हैं हम क्या होता है, ठीक है। अगर हम इसका फार्मूला जो आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं फार्मूले को, NCR, अब ये देखते हैं कैसे है। देखिए, जब हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स हैं, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, हमारे पास n, एक टाइम में कितने ले रहे हैं हम, r, तो हो सकता है बीच में कहीं ना कहीं यहाँ r भी होगा, r प्लस 1 भी होंगे, इस तरह चल के n तक ही तो पहुँचेगा, ठीक है। अब इसमें से अगर एक बार r की कंडीशन लगाई, पहली कंडीशन तो ये आप ध्यान रखो कि r लेस देन n है या नहीं, तभी तो लेंगे, ज़्यादा में से कम का ही तो सिलेक्शन कर सकें, कि हमारे पास चीज 5 है, हम कहेंगे उसमें से 6 छांट लो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। और जो 5 में से 5 छांट नहीं हो तो कितने प्रकार हुए, एक ही होगा भाई, 5 ले लें बस। लेकिन यहाँ से लेस देन n है तो कम से कम, अगर n बराबर 20 है तो r बराबर 19, तो कम से कम कुछ हमारे जो कॉम्बिनेशन की संख्या बढ़ेगी, तो हमने इसलिए r लेस देन लिया n, डेफिनेटली r इससे कम है। अब कौन से ले सकते हैं हम इनमें से r, पहली चीज़ है
हमें कॉम्बिनेशन पूछा हम कौन से ले सकते हैं। एक तो यहाँ आप कंसीडर कर लो लेट टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन इक्वल टू, हम कह रहे हैं कि एन डिफरेंट वस्तुओं में से आर वस्तु लेकर जो कॉम्बिनेशन बनेंगे उनकी संख्या हमने एक्स मान ली। ठीक, अब वो कौन से एक्स हो सकते हैं सुनो, एक बार में हो सकता है मैं ये ले लूं, दे सकता हूं ना, एक ये भी संचय है भाई, आर हो गया पूरे ऑब्जेक्ट बाकी हमने छोड़ दिए। दूसरा क्या हो सकता है, आर वन तक ले लूं। ठीक, तीसरा ऐसा हो सकता है कि मैं तो आर वन छोड़ गए एन वा ले लिया, या इस तरह से बहुत से बन सकते हैं ना या नहीं बनेंगे, उनकी संख्या मैंने एक्स मान ली। ठीक, और देयर इज आर ऑब्जेक्ट इन ए, बताओ है या नहीं है, हमने जितने भी आर आर ऑब्जेक्ट के ग्रुप बनाए हैं, मतलब जितने इस तरह ग्रुप बना रहे थे उनमें कितने हैं आर ऑब्जेक्ट हैं, है नहीं आर, क्यों है आर, क्योंकि टेकिंग आर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम हम ले ही रहे हैं, कितने आर ले रहे, कोई एक ग्रुप लिया। ठीक है, अब नाउ वी कैन अरेंज दीज आर ऑब्जेक्ट इन फैक्टोरियल एन, जो हमने ग्रुप लिया था ये ही मान लो आप, ये वाला इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं आर हैं, और मैं कहूं कि इनको अगर अरेंज करूं, अरेंज करने के कितने मेथड होंगे, हाँ फैक्टोरियल आर, यानी कि मैं इनका क्या बना रहा, परमुटेशन फिलहाल, क्यों बना रहा, मुझे अपना उल्लू सीधा करना। ठीक, हालांकि हम जब कॉम्बिनेशन पढ़ रहे तो परमुटेशन की बात कहाँ से आएगी, लेकिन कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ वी कैन अरेंज दीज आर ऑब्जेक्ट इन एन फैक्टोरियल एन वे। ठीक है, अब ये क्या था ग्रुप, कौन सा, एक ही ग्रुप था, दो ग्रुप थे जिसमें आर फैक्टोरियल, ये एन फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल आर वे, समझ रहे, एक ग्रुप को हम आर फैक्टोरियल वे कर रहे हैं और टोटल ग्रुप हमारे कितने हैं एक्स। ठीक, तो कितना हो जाएगा टोटल अरेंजमेंट, भाई एक ही ग्रुप का अरेंजमेंट अगर फैक्टोरियल आर है तो ऐसे एक्स ग्रुप का हो जाएगा एक्स इंटू आर फैक्टोरियल, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे उनमें से आर ऑब्जेक्ट्स के हमने ग्रुप बनाए, उनमें से किसी एक ग्रुप का अरेंजमेंट फैक्टोरियल आर की तरह से कर सकते हैं, टोटल ग्रुप हमारे एक्स है, यानी कॉम्बिनेशन ही एक्स ही तो मानने ना हमने, उसे ग्रुप कह लो या कॉम्बिनेशन कह लो, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए एक्स आर फैक्टोरियल आ गया। तो एन वस्तुओं में से आर लेकर बने क्रमचों की संख्या क्या ये इसके इक्वल है या नहीं है, एक्स आर फैक्टोरियल एन पी आर इसके इक्वल है या नहीं है, है हमारा। यहां से अगर हम आगे चलें x इक्वल टू आ जाएगा एन पी आर अपॉन फैक्टोरियल आर। ठीक है, ये जो x की वैल्यू आई ये एन पी आर आई, इसी को हम एन सी आर कहते हैं, एन सी आर एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल, इतना नोट कर लो पहले फिर बताता हूँ।
ठीक है जी, हम आ गए यहाँ पर एन सी आर इक्वल टू एन पी आर अपॉन फैक्टोरियल आर। एन पी आर को क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल एन, एन माइनस आर फैक्टोरियल, जैसे लिख लो आर फैक्टोरियल ये और एन माइनस आर फैक्टोरियल एन सी आर। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें आपको लर्न रखनी है, इन दोनों में रिलेशन भी। तो यहाँ से एन पी आर बड़ा है या एन सी आर है, क्योंकि एन पी आर जब r फैक्टोरियल की ncr में मल्टीप्लाई करते हैं तब npr होता है, इसलिए npr यहाँ पे बड़ा है। इसी के अकॉर्डिंग ये क्या था, टेकिंग और ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, और जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट ले लें तो क्या बनेगा इससे, ncn, एनसीएन इसमें लग दो, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन, एन माइनस एन फैक्टोरियल, दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, दैट इज वन। तो कितने तरीके हैं, एक, जैसे तीन में से तीनों को लेने का एक ही तरीका था ग्रुप बनाने का। ठीक, ये ये अकॉर्डिंग लिखा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरा कोण, कोटि पूरा कोण, बड़े होंगे कोटि पूरा, किसको बोलते हैं, दो कोण मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं, कोटि पूरा करो दो कोण मिलकर 180 डिग्री। पूजा उड़ा रही है सब हवा में। देखिए कंप्लीमेंट्री को बोलते हैं कोटि पूरा, कैसे कंप्लीमेंट्री और कैसे कोटि पूरा, ठीक है, ये होता है 90 डिग्री का, ऐसे दो एंगल जिनका सम्स कितना हो 90 डिग्री दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, सप्लीमेंट्री या संपूरक कोण उनको बोलते हैं जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री। हाँ, सप्लीमेंट्री का 180 और कंप्लीमेंट्री का 90। और जब सेट्स पढ़ाया था, अगर कोई सेट ए है मान लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और एक यूनिवर्सल सेट दे दूं मैं आपको 1 2 3 4 5 6, तो सेट ए का कंप्लीमेंट्री सेट क्या होगा, ये समझिए आप, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें 1 है 1 2 3 4 5 6 और मैंने कहा एक सेट ये है हमारा,
ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? ए इक्वल टू तो 1, 2, 3 आ गया, 4, 5, 6 में है, या 5, 6, 4 है, बताइए। दोनों सेम है डिफर है? या 6, 4, 5 बताओ, इन तीनों में कोई डिफरेंस है या भूल गए? डिफरेंस है क्या? क्रम सेट में क्रम देखे जा, देखे जा रिलेशन में तो देखे भी जा, जब रिलेशन में भी क्रम तब देखे जाते हैं जब हम ऑर्डर पेयर जो बनाते हैं रिलेशन के, ऑर्डर पेयर में तो डिफरेंस हो, वहाँ 1, 2, 2, 1 डिफर है, लेकिन सेट में क्या कोई अंतर है? सेट में कौन सा एलिमेंट कहाँ रखा है ऑर्डर इम्पोर्टेंस नहीं है, जैसे कॉम्बिनेशन में नहीं है ना, ऐसे ही सेट्स में भी ऑर्डर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तीनों ये सेम है। क्या किया आपने, इनको छोड़ते हुए बाकी जो एलिमेंट बचे वही उसके कम्प्लीमेंट्री है। अब हम क्या, कम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन क्या कहता है, क्या कह रहे हैं? बताओ, आवाज नहीं आती, बोलती ऐसे हो, मुंह में वही क्यों घूमती रहे, बताओ, नहीं बताओ, ठीक है। अब एंड डिस्टिंक्स ऑब्जेक्ट्स हैं और इनमें से यदि R को एक बार जितने ऑब्जेक्ट, यहाँ बैठाया करूँगा सबको, एंड डिफरेंट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से R एट ए टाइम लेकर के जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो क्या होते हैं? NCR, ठीक। N में से R ले लिए, कितने ऑब्जेक्ट और बचे? N माइनस आर बचे, तो N में से N माइनस आर ऑब्जेक्ट लेकर के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, समझे? दैट इज NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, इक्वल क्यों है? चलो बढ़िया क्वेश्चन है, हमारे पास नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब मैंने कहा मुझे इनके दो ग्रुप बनाने हैं, कैसे? एक बार फाइव ऑब्जेक्ट का बनाना और एक बार थ्री ऑब्जेक्ट, ठीक। क्या करेंगे, एक ग्रुप बन गया फाइव का तो ये बन गया, तो बाकी ग्रुप तीसरा तो ऑटोमेटिक बन गया ना, यानी कि 5 - 3 का बन गया ना, समझ रहे? तो ये कॉम्बिनेशन में चलता है ऑटोमेटिक, यानी कि जब हम किसी में से एक चीज छांटते हैं ना, हमने एक ग्रुप बनाया अपने लिए लेकिन दूसरा भी तो ऑटोमेटिक बन गया अपने आप, वो अपने आप बना बन गया, लेकिन अरेंजमेंट तो बनाना पड़ता है कॉम्बिनेशन। भाई आपको मैंने 10 चीजें दी, उसमें से मैंने कहा कि भाई आपको एक ग्रुप बनाना है, सिर्फ 5 चीजें ले लो कोई भी, जैसे ही आपने फर्स्ट टाइम 5 उठाई उसी समय दूसरी 5 करके ग्रुप बन गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फार्मूला यहाँ से निकल के आ रहा कि NCR इक्वल टू NCR माइनस N माइनस R, ये इक्वल होगा, इसका जो क्वेश्चन में हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कभी कभी क्या होगा कि एन सी आर को जगह हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें से ये माइनस करके एन सी एन माइनस आर, वो कहाँ लिखेंगे? सपोज करो आपको कहीं पे मिल गया 21C50, इससे अगर कैलकुलेशन करें थोड़ी लेंथी बैठती है, उसको सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, 21C6 लिख सकते हैं, कर दिया हमने ऑटोमेटिक इस फार्मूले से, ठीक है।
तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन ये है। अच्छा यहाँ पर भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यही लिख देता हूँ, चलो कोई नोट कर लेना। इफ एन सी एक्स बराबर एन सी वाई, ठीक, एन सी एक्स बराबर एन सी वाई, देन एक्स इक्वल टू वाई या एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन, ये रिलेशन बहुत काम आएगा। यानी कि अगर ऐसा है तो दो में से एक कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होगी। कौन सी? या तो एक्स और वाई बराबर है तब बराबर हो सकते हैं, या फिर इन दोनों का सम किसके इक्वल है, एन के, तब बराबर हो सकते हैं। Thank you.
चलो पास का लाभ बताइए क्या होता है। फिजिक्स का चलो फिजिक्स का ही बता दें। पास्कल लॉ जो हमारा है देखो लोग कितने होशियार थे, साइंस फिजिक्स में भी काम कर रहे हैं, मैथ पर भी काम कर रहे हैं। क्या कह रहे कहाँ पे इलेवेंथ में तो कोई ग्रुप में ये कहेंगे कि बिना पढ़ो इलेवेंथ पास हो जाओ। हर साल कुछ ना कुछ, पहले तो क्या किया उन्होंने चैप्टर हटाए, अब चैप्टर हटाने के बाद फिर एक्सरसाइज हटाते जा रहे, अब जब एक्सरसाइज से काम चला आप कंसेप्ट हटा दें तभी तो इनसे पढ़ने वाले डिप्रेशन में हैं। इस कंटेंट से देखता हूँ कितना दिया आवाज में।
हाँ कुछ नहीं है इसमें, है नहीं इसमें पास कर लो आपका है एनसीईआरटी 11 की है, है नहीं। देखो ये तो फार्मूला है तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, लेकिन इस फार्मूले को समझ लो क्योंकि ना मैं इसका डेरिवेशन कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा। यहाँ पे क्या है, टोटल जो ऑब्जेक्ट दिए हैं, टोटल ऑब्जेक्ट कितने दिए हुए इस फार्मूले के हिसाब से बताओ, कितने दिए हुए, एन प्लस वन, ये जरूर। अब इन एन प्लस एन ऑब्जेक्ट में से ये क्या है, एन ऑब्जेक्ट में से मान लिया ए वन ए टू ए थ्री ए फोर डॉट 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 ए एन और ए एन प्लस वन, ये ऑब्जेक्ट दिए ठीक। एन सी आर क्या है, एन सी आर ये है, नहीं ये नहीं है, यहाँ तक अगर ए आर हो तो ये वाला आपका ठीक प्लस एन सी आर माइनस वन, अगर यहाँ पे हम ये ए आर कर दें और ये ए आर माइनस वन, एन सी आर माइनस वन। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, जो पर्टिकुलर मैंने है जो बना दी ना साइन यही नहीं है, क्योंकि ये वो भी कॉम्बिनेशन है कि हम ए वन को छोड़ के आर से अगले वाला ले लें या उससे अगले वाला ले लें, इस तरह से ये जो होता है ये इसमें ये कह रहा कि इन टोटल ऑब्जेक्ट में से आर लेने के बराबर होते हैं संख्यों की संख्या, एन में से आर लेने और फिर एन में से एक आर में से एक कम करके लेना। एक कम करके क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे जैसे रहन उससे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, आप सिंपल में आ जाओगे। ये है एन प्लस वन में से आर वस्तुएं लेने के क्रम से कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है एन में से आर लेने के ठीक है। एक तो यहाँ एन सी आर है, यहाँ एन प्लस वन सी आर, ये ध्यान रखते। ये क्या चीज है, ये वो चीज है जिसमें एक वस्तु एक वस्तु पहले ही ले ली, कौन सी कितनी वस्तुओं में से हैं, जोर के बोला करो, एन में से नहीं एन प्लस वन में से, टोटल तो एन प्लस वन मान के चले थे ना। ये क्या है कि एक वस्तु पहले ही ले ली, लेनी थी हमें दस लेकिन एक पहले ले ली इसलिए तो यहाँ नौ आया ठीक है, और ये जो टोटल है एक कम कर दिया बस। यहाँ इस सिर्फ ये चीज़ समझ लो कि एक वस्तु पहले ही ले चुके हैं, छांट लिया, इस फार्मूले को लिख लो। अगर इसका आप डेरिवेशन करना चाहे तो इसमें भी एनसीआर का फार्मूला लगा दो, इसमें भी इसका फार्मूला लगा दो, घूम फिर के वही आ जाएगा।
एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसे करके दिखाओ। फोर एन सी टू एन अपॉन टू एन सी एन इक्वल टू वन डॉट थ्री इंटू फाइव फोर एन माइनस वन वन थ्री फाइव टू एन माइनस वन इसका स्क्वायर। ठीक, चलो इस क्वेश्चन करने से पहले मुझे आप एक बात बताइए, आई एस का नाम सुना है? आई एस सबसे ज़्यादा है, कौन से सब्जेक्ट के बच्चे आई एस बनते हैं? आर्ट से बनते हैं। ड्राइंग वाला और नहीं, उसे पढ़कर तो बनते हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या होती है एकेडमी जो बनते हैं? बन तो सब सकते हैं, बनने को तो बीए वाला भी बन जाएगा, बीएससी वाला भी बन जाएगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल रिजल्ट उठा के देखो ना तो सबसे ज़्यादा तो मिलेंगे बीटेक, समझ रहे? और अब जो एमबीबीएस हैं वो भी बन, एमबीबीएस टॉप 20 में कम से कम, अगर टॉप 20 की बात करूँ तो कम से कम ये मान के चलिए 10 से 12 13 तो मिलेंगे बीटेक वाले, दो तीन मिलेंगे एमबीबीएस वाले, एक दो साइंस वाला, अरे आर्ट का पत्नी का अधेगा नंबर बेचारे का लग जाए नहीं जरूरी। देखिए जो वहाँ पेपर होते हैं, पेपर में तो आपकी चॉइस है कोई सा सब्जेक्ट ले लो, क्योंकि अब एक सब्जेक्ट रहेगा, पहले दो सब्जेक्ट होते थे, अब उसमें आप चाहे हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, पॉलिटिकल ले लो, कोई सी भी ले लो, चाहे आप फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री ले लो, मैथ ले लो, कोई से भी आप ले सकते हो, कंप्यूटर भी ले सकते हो। लेकिन बात यह है, अगर मान लें किसी को आई एस बनना तो वो बीए करे, वो बीटेक करके क्यों कर रहा है? बीटेक भी कहाँ से? आई आई टी। ऐसे ऐसे लड़के हैं जो एक करोड़ का पैकेज छोड़ कर एनुअली, यानी कि जिनकी 12-15 लाख रुपये महीना इनकम है, वो भी जाएगा आई एस की तैयारी में लग जाता है। एक्चुअली क्या है ना, जो आई एस जो जॉब है ना हिंदुस्तान में, एकमात्र नौकरी जो है जिसको नौकरी कह लो करने की है, वो सिर्फ एक आई एस की है, इसके अलावा सब में दुर्गति है। अब आई एस के लिए क्यों जा, मैं कभी डीएम की गाड़ी जाते हुए देख रहा हूँ क्या पावर होती है, पूरा जिला डीएम के ही अंडर में चलता है, टोटल डिपार्टमेंट हर तरह, और पावर तो खैर कल्पनीय है। हाँ, टॉपर में हमेशा लड़कियाँ भी आती हैं। तो देखिए, कहने का मेरा मतलब ये है कि जब हम सिंपल आपकी पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी ले ली या सोशोलॉजी ले ली, इस तरह के सब्जेक्ट ले करके हम आईएएस बन सकते हैं, तो फिर बीटेक वाले वहाँ क्यों बन रहे हैं? क्या रीज़न है? बीटेक वाले भी हाँ, सारे जितने भी हमने पढ़ने पड़ते हैं भाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, चार सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने पड़ेंगे सारे के सारे, तभी आई एस बनते हैं। आई एस हो चाहे प्लीज देखिए, उसका कारण सबसे बड़ा कारण क्या है कि टॉपर्स में भी देखना आईआईटी वाले ही आते हैं ज़्यादातर, जो आईआईटी से बीटेक करते हैं। एक नॉर्मल बीटेक और आईआईटी बीटेक में डिफरेंस पता है? बताओ क्या है, बताइए। देखिए सिंपल बीटेक क्या है, प्राइवेट कॉलेज से आपको बीटेक करा दी जाती है, आपका कंटेंट पूरा हो नहीं है, उतने प्रैक्टिकल कराए जा रहे नहीं कराए जा रहे, नहीं भी चलोगे जब भी इधर से उधर से एडजस्ट करके पास करके आपको डिग्री मिली, वहाँ पता लगा कंपनी कोई प्लेसमेंट के लिए नहीं आती। और आईआईटी में ये समझिए 8 सेमेस्टर की होती है, 6 सेमेस्टर के बाद प्लेसमेंट हो जाता है, थर्ड ईयर में प्लेसमेंट हो जाता है आईआईटी। क्या रीज़न है?
रीजन सबसे बड़ा यह है कि जब बच्चा आईआईटी की तैयारी में लगता है, तैयारी से मान लो जिसे आईआईटी में जाना है, वो स्टूडियस हो चुका होता है, यानी कि उसे पढ़ने की हैबिट होती है, उसके लिए 8-10 घंटे पढ़ना एक नॉर्मल बिहेवियर है उसका होता है। और एक बीए वाले के लिए 8-10 घंटे पढ़ना, वो पूरे सप्ताह में 8-10 घंटे नहीं पढ़ता, उसकी कैपेबिलिटी, उसका स्टेमिना, वो सारे डाउन रहते हैं। और आईआईटी में ऐसी स्थिति है कि वहाँ दिन रात पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि उधर प्रैक्टिकल चलते हैं, आपको असाइनमेंट मिलते हैं, उनकी तैयारी करनी, क्लास करनी, तैयारी करनी, तो वहाँ तो सोने के लिए भी समय निर्धारित है, बस 5-6 घंटे जितना भी मिलता हो, बाकी समय पढ़ना ही पढ़ना, पढ़ना ही पढ़ना। कहने का मतलब ये है कि वो इतने स्टूडियस हो जाते हैं, जिस कंटेंट को एक बीए पढ़ने वाला एक साल में करता है, आईआईटीएन उस कंटेंट को 15 दिन में कर देता है बंदा, या जिस हिस्ट्री को पढ़ने के लिए या पॉलिटिकल पढ़ने के लिए पूरे पूरे साल लगाते हैं, वो 15 दिन है महीने के हिसाब से, 6th क्लास से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी ऑल सब्जेक्ट 15 दिन में पढ़ लेते हैं। वो 15 दिन में कब पढ़ेगा आदमी, जब भी तो पढ़ेगा, जब कुर्सी पे जम के बैठेगा, चलते फिर तो नहीं बैठ पाता। और आईएएस में स्टडी मांगती है, समय चाहिए आपको, 7-8 घंटे तो नॉर्मल इतना पढ़ना ही पड़ेगा, 6-7 घंटे अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, 6-7-8 घंटे तो आराम से आप आईएएस बन सकते। तो वहाँ उनका माइंड खुल जाओ, उनकी अप्रोच खुल जाओ पढ़ने की, उन्हें कुछ नहीं लगते, क्योंकि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी समझने की चीज़ें हैं, ज़्यादातर रट्टाफिकेशन है, कुछ ही चीज़ें हैं समझने की, रटना ही तो है, रट लो, अब ये तो रटने की चीज़ है, अब लिख दिया इसमें ये 4N C2N, आपको तो पता कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, ये मार्केट में जाए किसी से पूछो तो वो सिर्फ इतना 4N C पढ़ देगा, 2N से उन्हें पता है यहाँ क्यों लिखा, यहाँ क्यों लिखा, हिस्ट्री में तो आसानी है, उसमें तो अकबर लिखा होता, अकबर ही हो सबके लिए, लेकिन यहाँ C4 कैट नहीं है, यहाँ C4 कुछ और है। तो जो PCM ग्रुप होता है ऑलमोस्ट, बायोलॉजी में रट्टाफिकेशन है, बताओ बायोलॉजी में कौन सी ऐसी द्वंद है कि वहाँ कुछ ही समझ में नहीं आ रही, क्या कंसेप्ट आपको एक बार बता दिया, उसमें दिमाग लगाना क्या, जैसा अगला बता रहा वैसे तो सोचना। मैथ में ऐसा है, बायोलॉजी में क्या पॉसिबिलिटी है कि आपसे कोई चीज़ ऐसी पूछ ले जो आपने ना पढ़ी हो। आईआईटी में आईआईटी का जो पेपर होता है उसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, नए क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ तो रिपीट हो भी जहाँ आईआईटी में, अब तो जेई के नाम से आएगा, लेकिन जो जेई एडवांस का एग्ज़ाम होता है जिसको हम आईआईटी के लिए होता है, उसमें कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, नए क्वेश्चन मिलेंगे सारे। बताओ बायोलॉजी में चीज़ें कहाँ सी है। तो मैथ क्या होता है, मैथ आपकी अप्रोच बढ़ाता है, जब PCM ग्रुप का बच्चा होता है, पढ़ना तो मजबूरी होती है तो पढ़ना पड़ता है, तो जब उसकी अप्रोच वाइड हो जाती है, फिर इन कंटेंट को बहुत जल्दी कवर कर लेता है, इसलिए बीटेक वाले सबसे, आईआईटीएन कहूँगा, बीटेक का जो आईआईटी करके जाते हैं वो सबसे जल्दी जाकर आईएएस बन जाते हैं, पहले अटैम्प्ट बन जाते हैं, दूसरे में तीसरे में अपना बन ही जाते हैं, क्योंकि ना पढ़ने की हैबिट होती है। अब हम तुम लोग क्या है, नॉर्मली है सहारनपुर में तो वैसे भी संपन्न है, यहाँ से रोटी तो मिल जाए, सुबह भी खाने को मिल जाए, दोपहर में मिल जाए, रात को भी मिल जाए, जब भूख नहीं लगती, भूख का एहसास नहीं होता, तो फिर पढ़ाई कीमत का कहाँ पता लगेगा, उड़िया वाला गिरती का समय मिल जाए, सारी चीज़ों को मिल जाते हैं सहारनपुर में। तो भाई सबसे ज़्यादा अधिकारी बिहारी क्यों है, बिहार से क्यों है, क्योंकि वो लोग अभाव देख रहे हैं, भुखमरी देख रहे हैं, उन्हें पता है तो इच्छा जला होगा इधर आईएएस बनेगा। अब ये क्वेश्चन जो आपको दिया है, आपके सोच को डेवलप करने के लिए दिया, थोड़ा दिमाग खुले आप करिए सब।
टेंट प्रूव करनी Thank you.
क्या बात है, क्या दिक्कत आ रही? चलो आपको तो मैं समस्या समझ रहा हूँ। माध्यमिक पद पर मैं तुम्हें पढ़ाया ना जी स्कूल में, तुम तो दोनों चैप्टर बोर्ड का सीओ बैठे। बाइनोमियल थ्योरम तो पढ़िए है भाई। मुझे मैथमेटिक्स सबसे अच्छा लगा।
है।